हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे फिफ्थ जेम की इस सीजन के, जो कि होगा केयू कॉइन के ऊपर। आप केयू कॉइन के ऊपर उसको ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं, बट मेक श्योर करिएगा उसको पहले स्टडी करिएगा, समझिएगा, उसके बाद ही आप उसको बाइंग उसके ऊपर स्टार्ट करिएगा। बिकॉज कई बार होता है कि हमारी कॉल के बाद वो कॉइन गिर जाता है, तो आई विल एडवाइज ऑलवेज कि आप उसके अंदर हमेशा दो पेयर तीन पेयर के अंदर हम उसके ऊपर एंट्रीज ले, यानी कि अगर पहली एंट्री मिलती है ₹1 पे, तो अगली एंट्री मिले हमारे शायद 70 पैसे पे, अगली एंट्री मिले 50 पैसे पे, तो हमारी एक एवरेज आउट हो जाता है, उसके बाद एक अच्छा प्रॉफिट उसके ऊपर हमारे को हो सकता है। साथ ही साथ आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन ऐसे आईडियो प्लेटफॉर्म की जो कि काफी ज्यादा हाइप्ड है, और जब वो लिस्ट हो जाएंगे उसके बाद उनका प्राइस सेटल हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे आने के बाद हम उसके ऊपर एंट्रीज ले सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज मैं जो आईडियो बता रहा हूँ वो काफी हाइप्ड है, उनका नाम मार्केट में बढ़ता जा रहा है और उनकी एलोकेशंस मार्केट में खास अवेलेबल है भी नहीं, तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोजेक्ट है और उनमें से कुछ प्रोजेक्ट शायद 30x 40x 50x या 100x भी कर जाए तो मैं हैरान नहीं होऊंगा। साथ ही साथ हम करने वाले हैं ग्लीम कंपटीशन आप लोगों के लिए एक और गिव अवे, जो कि होगा $2000 का, जिनमें से एक आज का जो मैं आइडिया बता रहा हूँ उन्हीं के टोकन्स विनर्स को मिलेंगे, मौका मिलेगा 20 लोगों को जीतने का $100 के टोकन्स, और अगर वो हो जाता है 10x तो भी आपको मौका मिल सकता है $1000 ईच जीतने का। चलेंगे सीधा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जानेंगे हमारा आज का जेम कॉइन, आईडियोस और साथ ही साथ हमारा गिव अवे का मौका, उसको आप मिस मत करिएगा। बट आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करना है आप लोगों के लिए कंपलसरी, वीडियो को लाइक करते हो मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट रहता हूँ और मन करता है आप लोगों के लिए ऐसी चीज़ों को लेकर आता रहूँ जहाँ से आप लोग प्रॉफिट बना सके। चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं कौन सा ही जेम कॉइन, कौन से ही आईडियोस और आप लोगों का गिव अवे। हाँ तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं BTC जो कि चल रहा है $49,200 का, थोड़ा सा डम देखने को रात को मिला, लेकिन आप देख ही सकते हैं ऑल्ट कॉइन ने जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं ऑल्ट कॉइन्स। ऑल्ट कॉइन की अगर हम बात करें तो हमारा फन कॉइन फेवरेट सीजन का जो कि चल रहा है 40 से 77 आ गया है हमारा फन कॉइन, यानी कि 2x पोजिशन पर हम इसके ऊपर भी बैठ चुके हैं। और ऑल्ट कॉइन आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, आपको दिख रहा है 50%, 25%, 30% कितना ज़्यादा प्रॉफिट हमारे को दिख रहा है, दैट यू कैन ऑलरेडी सी। अभी तक हमारे सारे जेम्स कॉइन ने अच्छा किया है, तो अब हम चूज कर रहे हैं हमारा फिफ्थ जेम जो कि इस लिस्ट के अंदर है केयू कॉइन के ऊपर, आपको ये मिल जाएगा, उसका नाम है हाइव कॉइन, HYVE हाइव कॉइन, जो कि चल रहा है लगभग 32 सेंट्स का। अगर हम बात करें बिटकॉइन वैल्यू में तो चल रहा है 662 सतोशी। इसको चूज करने की सबसे बड़ा रीज़न है मेरी जो खुद की स्टार्टिंग हुई थी, अगर मैं अपनी क्रिप्टो करियर की बात करूँ, क्रिप्टो नहीं इनफैक्ट ऑनलाइन जर्नी की बात करूँ, तो वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट जो मेरे लिए थी वो थी Fiverr.com, और आप लोगों को में से काफ़ी लोगों को उसकी स्टोरी पता होगी। हाइप बेसिकली वही सेम फ्रीलांसिंग एक प्लेटफॉर्म बना रहा है जहां पे आप अपनी सर्विसेज क्रिएट करेंगे, लोग आएंगे और आपकी सर्विसेज को बाय करेंगे, और ये बीच के मिडल मैन को रिमूव कर रहे हैं, यानी कि ये फाइवर जैसी वेबसाइट को रिमूव कर रहे हैं, और डायरेक्टली आप बायर सेलर एक दूसरे के साथ बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, तो बीच का कट है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है हाइव, और इसकी मार्केट बहुत बहुत बड़ी है। अगर आप हाइव, अगर आप फाइवर को देखोगे ना, तो वर्ल्ड की टॉप 100 वेबसाइट्स में आती है, यानी कि उसके ऊपर इतना सुपर हाई ट्रैफिक है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। जब मैं फाइवर पे काम करता था, मेरे को रोज के शायद 100 ऑर्डर मेरे को आते थे, पब्लिक को और लोगों को कितने आते थे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो ये बेसिकली ट्राई कर रहा है फाइवर जैसा फ्रीलांसिंग प्लेन्स को लॉन्च करने का, और जो बीच का जो मार्जिन है जो कि चला जाता है कंपनीज को, उसको ये ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। दैट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ हाइव। और हाइव की अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में बताना चाहूँगा, 100 मिलियन इनकी टोटल सप्लाई है, दैट इज़ अ वेरी गुड रीज़न फॉर अस। उसके बाद 11 मिलियन टोटल मार्केट कैप है। अगर मैं कंसेप्ट की बात करूँ तो इस कंसेप्ट के अंदर बहुत मिलियंस आ सकते हैं, 11 मिलियन तो जस्ट स्टार्टिंग है। रैंक 1000 से भी ऊपर का है, यानी कि अभी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि हमने काफ़ी सारे जेम कॉइन चूज़ करे, उसके बाद वो काफ़ी सारे एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टिंग हुई उनकी, तो उसके बाद हमने देखा हमारे काफ़ी सारे टोकन जैसे कि मोबॉक्स, वैक्स, ये 1000 से उतर के सीधा 200-300 के अंदर भी उतरे हैं। तो वैसे ही अगर ये आने वाले वक्त के अंदर काफ़ी सारी इसकी पार्टनरशिप आने वाली है, इनका मेननेट भी आने वाला है, इन्होंने अपना लॉन्च पैड भी लॉन्च किया है, और काफ़ी सारे एक्सचेंजेस के ऊपर आने के इसके चांसेस है। बिकॉज मैंने काफ़ी सारी बातें करी है जिसके थ्रू मेरे को पता चला है काफ़ी एक्सचेंजेस के ऊपर आने के चांसेस भी इन लोगों के हैं आने वाले वक्त के अंदर। तो जब इनको एक्सचेंजेस मिल जाएंगे और ज़्यादा, तो हाई वॉल्यूम जनरेट होगी, हाई वॉल्यूम जनरेट होगी तो ईजी हो जाएगा इस टोकन को मार्केट से बाय करना लोगों के लिए। अभी हम बात करें तो यूनिस्वैप और Gate.io और KU कॉइन पेपर है। अगर आने वाले वक्त के ऊपर ये अरे अच्छे और बड़े एक्सचेंजेस के ऊपर आ जाता है, अभी बहुत सारे एक्सचेंजेस है, FTX हो गया,
वही हो गया, ओके एक्स हो गया, कहीं पे भी लिस्टिंग अगर होती है इनकी, बिटर्स हो गया, पोलोनिक्स हो गया, तो काफ़ी अच्छे चांसेस होंगे इसके ग्रोथ रेट बढ़ने के। हम और बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर एक और जो कि मेरे को दिखाई देता है वो है अपने ऑल टाइम हाई से ज़्यादा ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है। 40 सेंट इसका ऑल टाइम हाई था, 18% ही उससे ज़्यादा नीचे गया है। लेकिन प्रोजेक्ट का अगर आप ग्रोथ रेट देखोगे, इनकी टीम देखोगे, टीम के अंदर जितने भी लोग हैं वो काफ़ी हार्डवर्किंग है, और जो मेन कंसेप्ट है वो है हाई फीस जो लगती है उसको दूर करना है, जो डाटा की लीकेज होती है वो लोगों का डाटा चला जाता है, देन आप लोगों को वही एड्स दिखाई देती है जो कि आप लोग देखते हो, तभी तो आपको सारे के सारे गूगल वही एड्स दिखाता है जो कि आप सर्च कर रहे होते हो। स्लो सेटलमेंट्स होती है, उनको ये रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादा रीच नहीं होती है जिसको ये दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनका पर्पस बहुत क्लियर है, क्लीन है एंड क्वाइट अचीवेबल है। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि कहते हैं हम चांद पे जाएंगे, हम चांद पे जाके ऐसा एक लैंड क्रिएट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ पे ऐसा सपना नहीं है। यहाँ पे वो चीज़ है जो कि रियल है, जिसका इन रियल यूज़ केस है, और वही ये टारगेट कर रहे हैं। तो ये उनको अगर कुछ भी अचीव कर लेते हैं उसमें से कुछ पार्ट भी, तो वी कैन एक्सपेक्ट लॉट ऑफ ग्रोथ इन दिस टोकन। अगर हम बात करें स्टीम की, स्टीम क्या कहता था, स्टीम कहता था कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आओ, टोकन को आप हमारे यहाँ पे आर्टिकल से लिखो, अगर आपका आर्टिकल ज़्यादा लोग लाइक करते हैं तो आपको उसके ऊपर स्टीम टोकन मिलेंगे। सिमिलरली अगर हम बात करें स्टीम के ऊपर, एक अच्छा विजन है, एक अच्छा स्कोप था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सिमिलर उसका अगर 10% भी ये कर लेते हैं तो हमारे को पर्सनली काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। 0.32 है ऑल टाइम हाई, इस सीजन में सब क्वाइन ब्रेक करेंगे, तो आई एक्सपेक्ट कि ये वो भी ब्रेक करेगा और उससे आगे भी बढ़ पाएगा, बट स्टिल यू हैव टू सी, उसके बाद ही आप अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा, बिकॉज क्रिप्टो में आप जो भी पैसा लगाते हो या तो वो बढ़ सकता है या वो जीरो भी हो सकता है, इस चीज़ को हमेशा दिमाग में लेके चलना। द प्लेटफॉर्म ओपन फ्लेक्सिबल एंड सिक्योर क्लाइंट, द मेन गोल ऑफ द क्लाइंट इज टू बिल्ड अपॉन द वेब वर्जन एनेबलिंग मोर फंक्शनैलिटी एंड यूजर एक्सपीरियंस दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ डैप। तो आपको सब कुछ नियरली बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया है। फाइवर का आपको, आप में से जितने लोग मेरे को पहले फॉलो करते हैं सबको पता ही होगा फाइवर कैसे काम करती है, हमने काफ़ी वीडियोस और काफ़ी आप लोगों को हेल्पिंग सीरीज भी बनाई थी फाइवर के ऊपर, तो वही चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। आइडियो प्लेटफॉर्म है, मेन नेट्स है, काफ़ी सारे एक्सचेंज लिस्टिंग है, न्यूज़ है, दैट इज़ वट अ कंपनी नीड्स। और सबसे बड़ी बात, जो इनकी टीम है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है फिलहाल के लिए, काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड रिजल्ट फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। अगर हम नीचे जाते हैं तो हम इनके ट्विटर हैंडल को देख सकते हैं, ट्विटर हैंडल को सबसे पहली चीज़ करिया करिए, उनको फॉलो कर लो, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आ सकती है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा प्रोजेक्ट के बारे में मिल सकती है। तो आप इनका ट्विटर हैंडल भी देखेंगे तो आप देखेंगे काफ़ी सुपर एक्टिव इनका ट्विटर हैंडल है, काफ़ी कुछ चीज़ों के ऊपर ये बात कर रहे हैं जो कि क्लियरली आपको एक्टिविटी यहाँ पे दिखाई देती रहेगी। तो ये है हमारा फिफ्थ जैम हमारे इस सीज़न का, आप इसको और डिटेल में पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बट आई बिलीव दिस प्रोजेक्ट कैन गिव अस अ डिसेंट गुड इनफ प्रॉफिट। एंड हमेशा एक चीज़ याद रखना, कभी भी क्वाइन क्वाइन में पैसा लगाओ, बार बार बोलता हूँ, अपना पैसा घर निकाल लेना एक रेंज प्रॉफिट के बाद, और उसके बाद राइड करना रेस्ट प्रॉफिट के साथ। अब हम बात करते हैं हमारे तीन आइडियो प्लेटफॉर्म की जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाइप डाइस ऑफ मार्केट के अंदर और काफ़ी अच्छे चल सकते हैं, काफ़ी यू कैन एक्सपेक्ट अलॉट फ्रॉम दोज प्रोजेक्ट इन कमिंग डेज। उसके में से पहला प्रोजेक्ट जो कि है वो उसका नाम है पेंडोरा। पेंडोरा हमारा आज का पहला प्रोजेक्ट है आइडियो के अंदर, जिसके ऊपर हम कर रहे हैं ग्लीम कंपटीशन। उसके अंदर आपको सिंपल वही काम करना है, ग्लीम कंपटीशन का लिंक जो मैंने नीचे दिया उस पर जाना है, पेंडोरा के ट्विटर पे, पेंडोरा के दो टेलीग्राम चैनल्स हैं, उन दोनों को ज्वाइन करना है, दैट्स इट। विनर जो है अनाउंस हो जाएंगे हमारे आने वाले 2 दिनों के अंदर वीडियोस के अंदर, और आप लोगों को अमाउंट मिल जाएगा पेंडोरा टोकन के अंदर, जो कि मिलेगा 20 लोगों को $100 के पेंडोरा टोकन्स। रियल वर्ल्ड एसेट्स टू बॉर्डरलेस इकोनॉमी, ये है इनका मेन काम, ब्रिज द गैप बिटवीन ऑफ चेन एसेट्स एंड ऑन चेन इकोसिस्टम। जो ऑफ चेन एसेट्स है और ऑन चेन इकोसिस्टम है उसके बीच में जो गैप है, ब्रिजिंग है, उसको ये कंप्लीट करने का काम कर रहा है पेंडोरा। वी एनविजन द ट्रांजेक्शन ऑफ रियल वर्ल्ड एसेट ऑन ट्रस्टलेस प्लेटफॉर्म इन अ बॉर्डरलेस इकोनॉमी। अवर स्केलेबल इंटरऑपरेबल एंड हाई थ्रू आउट इंफ्रास्ट्रक्चर अलाउ एसेट्स ऑनर टू कन्वर्ट देयर रियल वर्ल्ड लिक्विड, रियल वर्ल्ड लिक्विड यानी कि हम कह सकते हैं कैश एसेट, टू अ लिक्विड स्टेट। एसेट को टोकनाइजेशन कर रहे हैं, PINFT का हेल्प कर रहे हैं, मार्केट प्लेस दे रहे हैं, लैंड एंड बोरो सिस्टम लेके आ रहे हैं, वहाँ लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं एंड डबल जील की एडवांटेज भी ये लोग दे रहे हैं। यूज एट स्केल इजिली इंटीग्रेटेड रियल वर्ल्ड एसेट डिजिटल एसेट्स एंड सोशल टोकन्स। अवर लेटेस्ट ब्लॉग, आप इनके बारे में ब्लॉग्स वगैरह सारे पढ़ सकते हैं, उन्होंने काफ़ी सारी पार्टनरशिप करी है रिसेंटली, ओरो पॉकेट के साथ करी है, अनमार्शल के साथ करी है, और काफ़ी सारी पार्टनरशिप आप आगे वाले टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है इन्वेस्टर्स, जो कि है इनके VCs, उनमें से अगर मैं कुछ नाम लूँ तो GBV, AU21, X21, मास्टर वेंचर
और अगर मैं और इम्पोर्टेंट किसी का नाम लेना चाहूँ तो है bitcoin.com एक्सचेंज, इन सब ने इनके ऊपर इनके साथ इन्वेस्टमेंट करा हुआ है। आप इनके सारे आर्टिकल्स इन जगह पे पढ़ सकते हो, bitcoin.com के ऊपर भी इनका आर्टिकल आया हुआ है। तो दिस इज़ अबाउट पेंडोरा। पेंडोरा के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों को इनके फॉलो कर लेना ट्विटर हैंडल को, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिल सकती है और हमारा ग्लीम कंपटीशन से आप पैसा भी कमा सकते हो। पेंडोरा जब आएगा फॉर श्योर आई विल ट्वीट, ताकि आप लोगों को उसके ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। यहाँ पे वैसे उसकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, 30th अगस्त को ये अपना आइडियो कर रहे हैं पेड इग्निशन के ऊपर, जिसके ऊपर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आने वाले वक्त का आने वाला है, जिसका नाम है स्टार एटलस। मैं आप लोगों को आज एक और चीज़ ऐड ऑन ही कर देता हूँ, स्टार एटलस एक प्रोजेक्ट है जो कि आने वाला है, इसको मैं भी फॉलो कर लेता हूँ अभी आपके सामने ही। वन ऑफ दैट प्रोजेक्ट जिसके ऊपर सुपर डुपर हाइप है और ये शायद 100x के ऊपर भी लिस्ट हो सकता है, इसके ऊपर भी नज़र रखिएगा। जब लिस्ट हो जाए इसको गिरने दीजिएगा, सेटल होने दीजिएगा, उसके बाद इसके ऊपर एंट्रीज बन सकती है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, काफ़ी ज़्यादा हाइप है इस प्रोजेक्ट की और ये भी आ रहा है पेड इग्निशन के ऊपर। सेकेंड प्रोजेक्ट जिसके बारे में बात करना चाहूँगा उसका नाम है CoinSpaid। CoinSpaid खुद में एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये अब लेके आ रहे हैं अपना IDO बिटकॉइन पेमेंट प्रोसेसिंग गेटवे एंड बिजनेस क्रिप्टो वॉलेट। यहाँ पे इनका खुद का क्रिप्टो वॉलेट है, गेटवे है जो कि इनका ऑलरेडी रनिंग है और अब ये अपना IDO लेके आ रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा हाइप्ड है और ये आ रहा है वन ऑफ माई ओन फेवरेट डाओ मेकर के ऊपर। तो डाओ मेकर के ऊपर अगर आ रहा है तो डाओ मेकर के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट वैसे ही बहुत सुपर परफॉर्म करते हैं एंड दिस इज प्री कंपनी जो कि पहले से काफ़ी काम कर रही है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड रिटर्न फ्रॉम CoinSpaid। आपको अगर इसकी हाइप अभी सुनाई नहीं दी तो बहुत जल्दी सुनाई देगी और बहुत ज़्यादा ये इससे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस गेन एज वेल, डिप में मिलेगा दोबारा इसमें एंट्री लेंगे और अच्छा प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे। CoinSpaid का ट्विटर हैंडल 18,000 का है लोगों का, आप इसको फॉलो ज़रूर कर लेना बिकॉज काफ़ी सारी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। आप इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो आपको बता देता हूँ व्हाई यू शुड ट्रस्ट अस। 2.3 बिलियन यूरो इन क्रिप्टो प्रोसेस कर चुके हैं जनवरी से लेके मिड ऑफ अगस्त तक, ओवर 9.5 मिलियन टोटल ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो चुकी है, 700 प्लस सेटिस्फाइड ऑनलाइन बिजनेसेस को सेटिस्फाई कर चुके हैं, 7 प्लस ईयर वर्किंग विद क्रिप्टो सिंस 2014। तो ये कोई नई कंपनी नहीं है, ये आप कह सकते हो जैसे हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट का Zomato, तो यहाँ पे CoinSpaid बहुत पुरानी कंपनी है, इसको बहुत लोग जानते हैं, अब अपना IDO लेके आ रही है वो भी डाओ मेकर के साथ। यू कैन एक्सपेक्ट अ वेरी गुड रिटर्न अगर आपको इसके अंदर IDO में पार्ट मिला, नहीं मिला तो वही स्ट्रेटेजी को यूज़ करेंगे, आने देंगे, थोड़ा सा ड्रॉप होने देंगे, सेटल होने देंगे, देन एंट्री लेंगे और एक अच्छा प्रॉफिट निकाल के इसमें से दिखाएंगे। आई विल ट्राई टू गिव आउट ऑल द सिग्नल्स, जितने भी हाइप प्रोजेक्ट के बारे में आपको मैं बात कर रहा हूँ उस पर बस नज़र रखो, ध्यान रखो, कोई न्यू सेशन दिखाई दे रहा है उसका एडवांटेज लेने की स्टार्ट करो। एक्सचेंज एंड OTC डेस्क बिजनेस कैन एक्सचेंज BTC ईथर USDT XRP एंड 30 प्लस क्रिप्टो करेंसी प्लस 20 प्लस नेशन करेंसीज एट द बेस्ट रेट्स विद नो हिडन फीस। गेट टू नो हाउ आवर सोल्यूशन हेल्प योर बिजनेस ग्रोथ, उसके बारे में पढ़ सकते हैं, इनका खुद का हॉट वॉलेट है उसके बारे में पढ़ लो आप। CoinSpaid एक्सप्लोरर है, इनका खुद का एक्सप्लोरर भी है जस्ट लाइक आप कह सकते हैं गूगल ब्राउजर गूगल क्रोम। पर्सनल अप्रोच टू बिटकॉइन एडॉप्शन CoinSpaid क्रिप्टो वॉलेट Yahoo.finance हैकर नून ब्लूमबर्ग डिक्रिप्ट सबके ऊपर आप इनके आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। बिकम अ पार्ट ऑफ CoinSpaid कम्युनिटी B2B कस्टमर यूजर ऑफ अ पर्सनल वॉलेट Coinbase CoinSpaid इंट्रोड्यूसर। तो आप सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में से और निकाल सकते हो। टीम सुपर सॉलिड है, सुपर स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, डाओ मेकर पे आ रहा है, हाइप काफ़ी अच्छी है, छोड़ना मत अगर आपको मिल जाए IDO के अंदर इसके पार्ट। अगर नहीं मिला तो आपको अगेन सेइंग वी विल यूज़ अवर स्ट्रैटेजी, बट इनके ट्विटर हैंडल को फॉलो करना मत भूलना ताकि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थर्ड प्रोजेक्ट जो कि अगेन इस वक्त मार्केट का रेड हॉट आप प्रोजेक्ट कह सकते हो, जिसका नाम शायद अभी आप सुनना शुरू करेंगे, उसका नाम है कैबी अरीना। फ्री टू प्ले एंड प्ले टू अर्न, आप लोगों को पता ही चल चुका है इस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है प्ले एंड अर्न। एक्सी इन्फिनिटी, क्रिप्टो ब्लेड्स, स्टेप हीरो और कितने ही सारे प्रोजेक्ट्स जिन्होंने 100x, 200x, 300x, 500x, इनफैक्ट थाउजेंड्स ऑफ एक्स दिए हैं, वो सभी ने दिए हैं प्ले एंड अर्न कंसेप्ट के अंदर। तो ये भी आ रहा है कैबी अरीना प्ले एंड अर्न कंसेप्ट, जो कि आ रहा है अगेन वन ऑफ माई फेवरेट डाओ मेकर के ऊपर। व्हाट इज कैबी? 7 years कैबी इज डेवलप्ड बाय अ सक्सेसफुल गेमिंग स्टूडियो एस्टैब्लिश्ड सिंस 2014। 8 games अवर गेम स्टूडियो हैज डिप्लॉयड 8 revenue गेमिंग जनरेशन, यानी कि 8 games ऑलरेडी है जिनके ऊपर आप रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे कैबी अरीना को यूज़ करके। 1 million प्लस प्लेयर्स कैबी इज ज्वाइनिंग एन एग्जिस्टिंग गेम रोस्टर दैट ऑलरेडी हैज़ 1 million मंथली एक्टिव प्लेयर, यानी कि एक गेम
जो कि इनकी ऑलरेडी लाइव है, जिसके ऊपर 1 मिलियन यूजर्स हर महीने खेलते हैं, उसके साथ ये अपने प्रोडक्ट को लाइव कर रहे हैं और एक टोकन लेके आ रहे हैं अपना कैबी एरिना, जिसकी शॉर्ट फॉर्म आई गेस कैबी है, कैबी टोकन है। कैबी एरिना इज अ टेक्टिकल मल्टीप्लेयर रोल प्लेइंग गेम विच कम्बाइंस फ्री टू प्ले एंड प्ले टू अर्न टू प्रोवाइड एन ओपन इकॉनमी फॉर एवरी प्लेयर। फ्री टू प्ले, प्ले टू अर्न, यानी कि आप यहाँ पे फ्री में भी खेल सकते हो। जैसे आपको मैंने बताया था एक्सी इन्फिनिटी, जब एक्सी इन्फिनिटी $2 का था या शायद $1 का था, उसी के अंदर ऑप्शन है प्ले टू अर्न, आप पैसा डाल के भी उसके खेल सकते हो और स्पीड अप कर सकते हो और अर्निंग बढ़ा सकते हो। क्रिप्टो वॉर एंड एसेट फॉर रेंट, यानी कि आप एसेट लेके उसको रेंट के ऊपर भी दे सकते हो। ये इनका मेन पर्पस होने वाला है। कैबी टोकन के बारे में और ज़्यादा डिटेल में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एक्सचेंज फॉर गोल्ड फॉर इन गेम अपग्रेड, स्पीड अप टाइम, गेट इट टोकन कंटेंट, मिंट NFT, फॉर्म इन गेम हीरोज आइटम, बाय रेंट NFT एसेट्स। ये सारे के सारे गेमिंग प्रोसेस होते हैं, आप लोगों को पता ही है, हर स्टेप के बाद गेम्स के अंदर लेवल्स आते हैं, उन सब के अंदर कैबी टोकन का यूज केस धीरे धीरे ये लोग बढ़ाते जाएंगे। क्रिप्टो वॉर, वाइस ट्रेडर लेजेंडरी प्लेयर, उसके ऊपर क्रिप्टो वॉर होगी, उसके अंदर आपको कैबी टोकन्स होंगे और उनके NFT कार्ड्स होंगे। दैट इज़ वट राइट नाउ मार्केट इज रनिंग ऑन। एक्सी इन्फिनिटी क्रिप्टो ब्लेड्स में भी लोगों ने कई बार मजाक उड़ाया था, यार क्या चीज़ है, लेकिन आज जब वो प्रॉफिट देखते हैं जिन लोगों ने उनका टोकन्स लिया था और उन्होंने नहीं लिया किन्होंने, तो वो पछताते हैं, यार मैं मिस कर गया। तो अभी अगर मार्केट चल रही है, मार्केट इज़ हॉट, वी हैव टू फॉलो द ट्रेंड और उसी के साथ हमारे को जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो हैतू शेख इनके यहाँ पे है फाउंडर्स एडवाइजर्स के अंदर, जो कि है डाओ मेकर के CMO, बैक्ड अप बाय रेड काइट एंड डाओ मेकर। तो इसके बारे में भी आपको काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। साथ ही साथ ट्विटर हैंडल को फॉलो करना मत भूलिएगा, 33,000 ऑलरेडी फॉलोअर हो गए, शायद अभी तक आपने ज़्यादा नाम भी नहीं सुना होगा। इस प्रोजेक्ट से भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये भी 50x दे सकता है। कॉइंस पेड भी काफ़ी हद तक अच्छा प्रॉफिट 50x दे सकता है और पेंडोरा भी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। आई कैन एक्सपेक्ट 10x एज वेल फ्रॉम देयर एज वेल, जिसका आप लोगों को आज हम गिव अवे भी कर रहे हैं, इसको भी आप भूलिएगा मत। आज का वीडियो का जो अगर मैं कहूँ शॉर्ट में बात करें तो हाइव टोकन है, जो कि हमारा जेम कॉइन है, जो कि 32 सेंट्स के ऊपर चल रहा है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि ये ऐसे एरिया में वो कर रहा है जहाँ पे स्कोप बहुत है ग्रो करने का और एक्सचेंज की लिस्टिंग इनके साथ आ सकती है बहुत सारे, बिकॉज ये काफ़ी एक्सचेंज पे अभी नहीं आए हैं। लो कैप कॉइन है, काफ़ी ग्रोथ के चांसेस इस टोकन के मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 3 IDO, पेंडोरा, कॉइंस पेड एंड कैबी एरिना, और अगर आपको स्टार एटलेस किसी को शायद नहीं मिला होगा, फॉर श्योर मेरे को, मेरे पास भी नहीं है। आई विल वेट फॉर दिस कॉइन टू लिस्ट, उसके बाद गिर जाए डजंट मैटर, हम फिर वहाँ पे एक अच्छी एंट्री बनती होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। बट दिस इज़ वेरी सुपर हाइप, सुपर डुपर हाइप मैं कहूँगा प्रोजेक्ट है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो अगर पसंद आई हो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, आपका लाइक होता है तो मैं काफ़ी सपोर्टिंग फील करता हूँ, और अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा इन आइडियोज़ के ऊपर, हमारे जेम कॉइन के ऊपर, जेम कॉइन में आपने कितना पैसा कमाया उसके ऊपर, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।